हेलो, कैसे हैं सब लोग? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। तो आप देख सकते हो आज मेरी किचन बहुत फैली हुई है, बहुत ज़्यादा थी। सुबह अभी जूस बनाया वो, फिर फ्रिज थोड़ा साफ़ कर रही थी तो वो करने लगी, और अभी यहाँ पे आप देख रहे हो बेटी ने रोटी बनाई वैसे ही छोड़ दिया। थोड़ी सफाई, थोड़ी क्या, काफ़ी सफाई की ज़रूरत है। तो मेरा जो सिंक का एरिया था वो बहुत टाइम से ख़राब पड़ा था, लीक हो रहा था। मतलब जब से यहाँ आए हैं अंदर पानी जो था ब्लॉक हो रहा था। तो आज मैंने कल कारपेंटर को बुलाया था, उसको कटवाया है नीचे से। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या थी। तो ये पीस मैंने यहाँ से, ये वुड का कटवाया है ऐसे, क्योंकि ये यहाँ से पूरा बंद था। ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये पूरा बंद था यहाँ से, जिस वजह से पानी अंदर नहीं जाता था और प्रॉब्लम हो रहा था, सफाई नहीं हो रही थी। जैसे यहाँ अगर फ्लोर पे पानी गिर जाए तो वो जाता ही नहीं था। तो कोने में आपको ये टूटा हुआ पीस सा दिख रहा है, यहाँ से हमने होल किया था एक। तो अभी मैंने इसको अंदर से धोया है, बट क्योंकि ये पानी लीक हो रहा था तो ये डोर्स वोर्स यहाँ से ये मेरे सब ख़राब हो गए हैं उसी वजह से। ये हैंडल आप देख रहे हैं पूरा रस्ट खा गया है यहाँ से, ये सब चीज़ें। तो अब ये लीक नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सिंक के यहाँ पर भी पूरी ये यहाँ पर वो कराया है ब्लैक कलर का, आप देख रहे हैं ये सब। तो अब ये उसने क्या किया कि यहाँ पे पूरा इसको अच्छे से सील कर दिया। मैंने एम सील से किया था, तो मेरा वाटर फिल्टर सिस्टम नीचे लगा है जिसका टैप यहाँ ऊपर है। तो ये इस तरह से ड्राई हो गया यहाँ पे पूरा। अब पानी की दिक्कत नहीं है। तो आज सुबह ये सब धोया है, ये गंदा आपको दिख रहा है तो ये निशान है गम वगैरह के। तो ये जो पूरी इसमें लगी है वो पीवीसी शीट से बना हुआ है, ये एक तरह का प्लास्टिक टाइप का शीट है, वुड नहीं है, इसीलिए ये ख़राब नहीं हुई। अदरवाइज़ तो ये मतलब 2-2.5 साल से अगर पानी इतना गिरता तो ये लकड़ी ख़राब हो जाती, क्योंकि ये लकड़ी नहीं है, पीवीसी शीट है। तो बच गया, बस इसके हैंडल्स चले गए हैं। कभी हो सकेगा तो ये मैं चेंज करा दूँगी क्योंकि बहुत गंदे दिख रहे हैं अब। हालाँकि ये बंद रहता है ऐसे तो इसके चैनल्स चेंज कराने पड़ेंगे मुझे, थोड़े रस्ट आ गए हैं। तो ये बंद रहता है तो इतना ही दिखते हैं ऊपर की तरफ, बट फिर भी वो गंदे दिखते हैं। तो यहाँ मेरा एक सिलेंडर पड़ा हुआ है और ये डोर भी कल गंदा हुआ है, ये सब साफ़ करना है अब मुझे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि डस्टबिन जो है इसके अंदर रख दिया जाए। पहले मैं रखती थी बाहर, पर सिम्बा हमारा जो है जब से वो आया है वो डस्टबिन में मुँह मारता है हर चीज़ के लिए। तो फिर मैंने इसको रखना शुरू कर दिया यहाँ पर ऊपर विंडो में। मैं तो साफ़ सफाई से रख लेती हूँ, बट मेड क्या करती है कि वो जब कचरा फेंकती है तो सारा जो कचरा होता है ये जो खिड़की का ये इसमें, क्योंकि एरिया थोड़ा छोटा है, थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे सिंक एरिया के। यहाँ पे एक छोटा सा शेल्फ है जहाँ बर्तन धोने के भी पड़े होते हैं और मामे काम के लिए भी चाहिए होता है। तो आई फील कि एक एक्स्ट्रा सिंक मुझे किचन में और होना चाहिए था। तो मेरी यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा कचरा। कल मेरा राशन एक्चुअली आया था वो संभाला, कल कारपेंटर भी आ गया, प्लम्बर भी आ गया, तो वो सब काम, तो उस वजह से कल बहुत किचन फैल गई थी। अब बनना है अभी नाश्ता, चाय वाय हुई है, हस्बैंड अभी गए जूस पी के, वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते, जूस पी के गए वेजिटेबल वाला। और बस उठे हैं आज थोड़ा लेट से, मैं भी 8-8:30 बजे उठी हूँ, तो घर अभी तक कहीं से कोई काम हुआ नहीं है। Thank you.
तो अभी डिसाइड हुआ है कि हम ब्रेकफास्ट नहीं बना रहे, क्योंकि अभी हमने जूस वूस पिया है और टाइम 11 बज गए हैं, तो बच्चे अभी उठे हैं और चाय और रस वगैरह खाए हैं। तो मैंने कहा लंच बना लेती हूँ सीधा, फिर इवनिंग में मैकरोनी पास्ता बना दूंगी आप लोगों को। थोड़ा लालच दे दिया ताकि मेरा काम कम हो जाए। अभी क्योंकि मुझे किचन पूरी साफ करनी है और ये सब काम है, तो अब मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी सिंपल सी बना रही हूँ, तो उसकी कोई रेसिपी इतनी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। Thank you.
जब काम ज़्यादा होते हैं ना उस दिन काम और बढ़ते हैं। मेरी वॉशिंग मशीन का पानी अब बाहर आना शुरू हो गया, वो क्यों आ रहा है, तो एक काम ख़त्म करो दूसरा शुरू हो जाता है। पाइप पता नहीं हिल गई कल मेट से, उसने धोया था यहाँ पे, अब क्या हुआ है आई डोंट नो। तो मैंने पाइप तो ठीक की है, वो सब पानी नहीं आना चाहिए। या तो बेटी ने मैट्स डाले हैं उसमें लिक्विड ज़्यादा डाल दिए है कपड़े धोने का, तो पूरा झाग जो था बाहर आना शुरू हो गया पाइप से। मैंने वहाँ साफ कर दिया है बट अब मैट डाला था फिर गीला हो गया वहाँ पे। तो मैं मेट आएगी तो उसको बोलते, एक तो पुराने झाड़ू वाड़ू सब संभालती हैं ऐसे जैसे जायदाद होती है इनकी, गुस्सा भी आता है कभी कभी। तो मैंने ऊपर की चीज़ें उठा दी हैं क्योंकि शॉल्स क्लीनिंग वही करेगी, अब मैं रोज रोज उसके काम करके नहीं रखने वाली। झाड़ू वाड़ू लगना है बट अब वहाँ मुझे लग रहा है धोना पड़ेगा पूरा, बहुत बड़ा काम जमेला फैल गया मेरा भी। जब सोचो कुछ एक्स्ट्रा काम कुछ अच्छा आज कर लेते हैं और पुराने ही नहीं खत्म होते ना ही क्या शुरू करते, तो दो दिन तीन दिन से तो संडे से ये हाल हो गया मेरा, पता नहीं क्यों काम खत्म ही नहीं हो रहा है, किचन फैला ही हुआ है। वॉशिंग मशीन के ऊपर मैंने पूरा ठीक किया तो नीचे गंदा हो गया है। जब तक मेरी सब्जी होती है तो पानी पी लो क्योंकि अब मुझे गुस्सा होना शुरू हो गया। गुस्से में भी हंस रही हूँ क्योंकि मुझे गुस्से में भी हंसी आ जाती है, तो सीरियसली गंदे के दिमाग खराब हो रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ किचन में, सब्जी अभी मेरी हो रही है, पहले पानी।